रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतज़ामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आज 9 नवंबर यौम इकबाल के मौके पर मालेगांव वर्स हाई स्कूल के ग्राउंड पर हम 9 लोग वहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं। मैं मालेगांव वर्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल ऑफिस से एक शख्स को मुंतखब की, 3 हैं जिम्मेदारान, उसमें से मैंने अपने आप को ही मुंतखब कर लिया क्योंकि ये मेरे ही दिमाग की उपज थी कि 9 तारीख को 9 लोग जो है वो यौम इकबाल की तकरीब में जो है वो बैठें और अपने अपने तासुरात जो है वो पेश करें। तो किन लोग, कौन कौन से लोग हैं उनका मैं थोड़ा सा नाम पेश कर देती हूँ कि वो कहाँ से कहाँ कहाँ से चुने गए। तो मेरे उल्टे हाथ की तरफ मंजरा कलीम अहमद, 10वीं की तालबा है और माशाल्लाह तकरीर में जो है वो दस्तखत रखती है, इसलिए मैंने जो है तालिब इल्मों की जानिब से जो है या स्टूडेंट की ज़िम्न में से उसे जो है मुंतखब किया है। उनके बाजू में जो है क्लर्क ऑफिस से डॉक्टर उसामा सर को जो है वो मैंने मुंतखब किया है, तो उन्होंने शायद उर्दू अदब में पी एच डी किया है और कलाम भी वो तहरीर करते रहते हैं। उनके बाजू में जो है कॉलेज यूनिट हमारे यहाँ पर चलता है, उसके इंचार्ज हैं मसूद रशीद साहब, उर्दू का पीरियड लेते हैं, उर्दू ज़बान में जो है काफ़ी उनको दिलचस्पी है। उनके बाजू में जो है हमारे स्कूल के शिफ्ट के टीचर इश्तिकार अहमद इकबाल हैं, ये भी जो है उर्दू तकरीर जो है उनके अंदाज में जो है वो करते हैं। इधर आएंगे हम लाइब्रेरियन अजहरुद्दीन सर, बच्चों को जो है किताबें फराहम करते हैं, मुझे भी अक्सर किताबों की ज़रूरत रहती है तो उसे तलब करते रहती हूँ, थोड़ा परेशान भी करती हूँ कि सर इसमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, फिर वो धूमधाम के जो है किताबें लाते हैं और कभी कभी मुझे जो है यूट्यूब की लिंक भी भेजते हैं कि आप अगर उसकी तलाश है। माशाल्लाह उनका भी जो है परफॉर्मेंस अच्छा है। उनके बाजू में जो है जफ़र आबिद सर, कहना चाहिए मैं तो ये कहूँगी कि भाई पूरे महाराष्ट्र में जो है उर्दू बाल भारती से जुड़े हुए अपनी खिदमत जो है बाल भारती पूना में जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जो है वो पेश कर रहे हैं और हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो है उनका कहना चाहिए कि तलब रहती है कि सर हमारी क्लास में जो है वो क्रिएट तदरीस को जो है वो बड़े लिखनों के अंदाज में जो है वो पेश करते हैं और बच्चों को जो है वो अपना भूमिका बना देते हैं। उनके बाजू में जो है लैब अटेंडेंट तनवीर रंजन रईस अहमद, माशाल्लाह लैब की इसमें जो है उनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, किसी काम के लिए बोलो तो पहले से ही वो काम जो है वो तरतीब जारी रहती है, लैब अलमेंट्री लाए को वो देते रहते हैं और सिर्फ लैब अटेंडेंट नहीं है बल्कि जिस शोबे में मैं उनको तलब कर लूँ वो जो है वो करते हैं, यानी कि दो है कि अल्लाह ताला यानी दिलचस्पी को कायम रखे वो कभी मान सकते। उन हजरात में से मैंने जो है सहूर भाई जमजम को जो है मुंतखब किया है, एक्टिव है उसमें बोलने वाले, इसलिए मैंने जो है उन्हें मुंतखब किया है और तमाम लोगों ने ही जो है किताबों का मुताला किया, ये मेरे लिए बड़ी तस्कीन की बात। और आज हमारे दरमियान जो है रब्बानी देशी स्कॉलर यूट्यूब चैनल जो है वो हमारी कहना चाहिए जो हमने बुलाया अकीदत पेश करना था अल्लामा इकबाल को उसको जो है अपने कैमरे में कैद कर लिया है। 9 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 9 नवंबर को 9 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी उनके ऊपर है कि वो किस तरह से उसको जो है अपलोड करेंगे एक साथ या अलग अलग 9 एपिसोड में। मैं रब्बानी द स्कॉलर स्कॉलर यूट्यूब चैनल की बहुत ही मशहूर हूँ कि उन्होंने जो है हमारे इस कहना चाहिए इस तकरीब का जो है वो कवरेज लिया और लोगों तक पहुंचाने की जो है वो जिम्मेदारी है। आज 9 नवंबर 144वां यौम इकबाल है,
उसी के साथ साथ आज 9 नवंबर जो है आलमी यौम उर्दू भी है। आज इस दिन को हम नहायत ही अनोखे मुनफरिद निराले अंदाज में जो है इसे मना रहे हैं। 1 नवंबर को हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये तमाम लोग जो है 1 नवंबर से अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ किताबों का मुताला कर रहे थे। 9 दिन मुताला करने के बाद हमने उनकी किताबों से कुछ चीज़ें अखज कर ली हैं जो हमें पसंद है। कोई कंडीशन नहीं थी कि आप इस पर बोलेंगे आप उस पर बोलेंगे, जिनको जो पसंद है उन्होंने वो उनकी किताबों से जो है वो अखज़ कर लिया था। तो मैंने भी जो है उनकी 4 किताबों का मुताला किया। 9 दिनों में पूरी तो नहीं पढ़ पाई थी लेकिन थोड़ा मैंने मुताला किया है और जल्द करी माशाअल्लाह तमाम किताबें जो है वो बहुत उमदा है। किताबों को पढ़ने के बाद अंदाज़ा हुआ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आम इंसानों से बहुत अलग हस्ती, बहुत अलग। हैरान रह गई अकल जो है वो हैरान रह गई कि उस ज़माने में, आज के ज़माने का मैंने मुआज़ना किया, उस ज़माने में उनके पास इतनी मालूम थी, इतना ही था, इतनी नॉलेज थी कि अकल सोच कर हैरान। दीनी पहलू हो, सामाजिक पहलू हो, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबजात हों या हुकूमत की मुख्तलिफ किस्में, तमाम पर उबूर हासिल अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फ़ख्र है कि हम जो है उर्दू वाले ऐसी भी एक शख्सियत जो है वो रखते थे और माशाअल्लाह मैंने उनकी किताबों का मुताला किया और कुछ उनकी कैफियत का भी मुताला किया। उनकी एक जगह किताब में जिक्र था कि जब मेरे ऊपर शेर कोई की कैफियत तारी होती थी तो उन्होंने इस चीज़ को जो है मिसाल के ज़रिए पेश किया है कि जिस तरह से एक मछेरा जो है एक मछेरा जिस तरह से जाल डालता है और बेशुमार मछलियां जो है उसके जाल में चली आती हैं तो उनके जहन में भी ख्यालात इस तरह के आते थे और वो हैरान रहते थे कि मैं किस ख्याल को पकड़ूँ और किस ख्याल को छोड़ूँ। तो उनके मुताबिक उनके ऊपर ये कैफियत जो है साल में 2 मरतबा ऐसे तारी होती है। तो यानी कि ये खुदादाद सलाहियत थी, मैं वो शेर की शक्ल में अल्लाह ताला की रहमत जो थी उनके ऊपर थी और वो शेर जो है वो हम कुदरती अंदाज में जो है वो कहते थे। उनकी किताबें पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और थोड़ा सा अफसोस भी है कि हम जो है मुताले में बहुत पीछे, ये हकीकत है मुताले में जो है वो हम बहुत पीछे। तो जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने हर शोबा जात पर जो है अपनी बातें करी, चाहे ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो उसके ऊपर उन्होंने अपनी बातें करी। तो मैं जो है उनकी शायरी पर जो है वो कुछ कहना चाहती हूँ कि उनकी शायरी जो है मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही आला सोच, ऐसी सोच जिसका जो है हम उसका मुकाबला। शायरी पर इसलिए कहना चाहूँगी कि वो शायर मशरक़ का है, शायर मशरक़ यानी कि पूरे मशरक़ के शायर हैं वो। तो उनकी शायरी से मैंने कुछ अशार जो है वो मुंतखब किए हैं। पहला तो उन्होंने जो है खुदी का पैगाम दिया है। तो पहला शेर खुदी को कर बोले इतना कर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे पता तेरी अपने मन में डूब कर आजा सुराजे ज़िंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को आपकी गोया मुसाफिर आपकी मंजिल हूँ। दूसरी जगह फरमाती है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सदियों से तेरी क्या हुआ सदियाँ गुजर गई दुनिया तेरी बदल गई वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। दूसरी जगह फरमाते हैं कि दुनिया की महफिलों से उतार गया हूँ यार क्या लुत्फ़ ज़िंदगी का जब दिल ही बुझ गया हो। दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकून जिस पर तकबीर भी फिदा हो। दूसरी जगह मैंने देखा है कि उन्होंने जो है नौजवानों को जो है हौसला देने वाली शायरी की। नौजवानों को जो है वो एकदम सरगर्म अमल देखना चाहते हैं
कोई अंदाज़ कर सकता है उनके शोर बाजों का, निगाह उम्र गमनी से बदल जाती है तकदीर, यकीन मुकम अमल पर हम मोहब्बत फातह आलम सिहाद जिन लगानी में है ये मर्दों की शमशीर। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। दूसरी जगह जो है वो तलातुम खैस देना चाहिए नौजवानों को, एकदम जो है ऐसा हौसला देना चाहते हैं और कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तुम बहर की मौजों में इस्तेराब हो। दूसरी जगह जो है काफिर और मोमिन का मुआवजा करते हुए फरमाते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे भर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैब भी लड़ता है सिफा। अब उनकी शायरी में जो है शाहीन परिंदे का जिक्र है, अगर उसको मैं छोड़ दूँ तो गोया कि उनकी शायरी के साथ इंसाफ नहीं होगा या हमारा ये यहाँ पर बैठना जो है उसमें एक कमी रह जाएगी। तो शाहीन का वो जिक्र बार बार किए अपनी शायरी में, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। दूसरी जगह फरमाते हैं कि शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उसका। दूसरी जगह जो है इतिहास का पैगाम देते हुए कहते हैं कि फर्द कायम रक्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी सूरत में न नूरी है न नारी है। दूसरी जगह जो है वो गोया के एक अनोखे अंदाज में पैगाम देते हैं कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता, मज़ा तो जब लेके गिरता हूँ तो थाम ले साथ। अब मैं इख्तिताम की तरफ जाऊँगी कि हम जो है मजहबी सोच की तरफ जा रहे हैं कि सितारों के आगे जहाँ अभी इश्क के इंतहा और भी हैं, और मेरी तमन्ना है उनकी ज़बान में हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम की दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम।